सो हाई एंड वेलकम टू माई चैनल टेक फॉर यू। और इस वीडियो में हमारे पास एक गाड़ी है जो कि हमने अभी ली है। ये होंडा सिविक 2014 मॉडल है, रिबर्थ कहते हैं इस मॉडल को, और ये फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है। यूजी कहा जाता है इसको, यानी कि इसमें आपको होंडा टीवी, नेविगेशन और जो है लेदर सीट्स वगैरह सारा कुछ आपको फुली लोडेड ऑप्शन है ये वाली गाड़ी। तो ये गाड़ी हमने ली है और ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी रफ कंडीशन में है। इसका जो है काफ़ी काम वगैरह होने वाला है गाड़ी का, तो काफ़ी स्क्रैचेज वगैरह हैं गाड़ी की बॉडी पे। और ये एक इसका व्हील आर्च है, आई थिंक इस पार्ट को व्हील आर्च ही कहते हैं। काफ़ी हिट इम्पैक्ट है इस, यानी कि इस पार्ट पे, थोड़े छोटे से हिस्से पे, तो इसका काम करवाएंगे हम। और उसके अलावा इसके बम्पर्स वगैरह पेंट होंगे, लाइट्स रिस्टोर होंगी और इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इंटीरियर की जो है क्लीनिंग वगैरह होने वाली है। और उसके अलावा जो है इस गाड़ी के, यानी कि स्क्रैचेस वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कलम आई थिंक कहा जाता है उसको, थोड़ा सा जो ऊपर जो है ब्रश से पेंट कर दिया जाता है अगर आपने पीस को, यानी कि उस पार्ट को अगर आपने पेंट वगैरह ना करवाना हो तो वो कलम वगैरह लगेगी इस पर। और थोड़ा सा ये जो व्हील आर्च वाला पार्ट है ये पेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कलम से जो है ऑफ कोर्स का ये जो होल है व्हील आर्च का, ये तो फिल नहीं किया जा सकता। तो ये गाड़ी की कंडीशन आपने देख ली है, इस कंडीशन में हमने ये गाड़ी ली है। और अब इसका जो है ओवरऑल सारा, यानी कि इसका जो है काम वगैरह स्टार्ट होगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सारा काम होने के बाद, नीट एंड क्लीन होने के बाद, इस गाड़ी की क्या लुक निकलती है, कैसी है इसकी लुक निकलती है। तो ये इस गाड़ी की कंडीशन है आफ्टर वन वीक, यानी कि तकरीबन वन वीक से भी ज़्यादा है, तकरीबन आप 9-10 दिन कह सकते हैं इस गाड़ी पे लगे हैं। और उसके बाद ये इसकी फाइनल लुक जो है ये आई है, यानी कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी, क्या बोल, नीट एंड क्लीन लुक प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी सारा इसका जो काम था, माइनर डेंट्स वगैरह, यानी कि ड्राई डेंट जिसको कहते हैं, वो निकले हैं। और थोड़ा बहुत जैसा कि मैंने बताया था, इस पर कलम वगैरह लगनी थी, व्हील आर्च जिसका जो है वो पेंट हुआ है, यानी कि तैयार होके। और उसके अलावा इसकी जो है इंटीरियर क्लीनिंग वगैरह की गई है, सारा जो है रूफ़ और पोशिश वगैरह सारा कुछ, जो टोटल इसका इंटीरियर है वो नीट एंड क्लीन किया गया है। और आउटर में इसके दोनों बम्पर फ्रंट बैक पेंट किए गए हैं, व्हील आर्च बना है, ड्राई डेंट्स निकले हैं, कलम लगी है, हेडलाइट्स रिस्टोर हुई हैं, और एक बम्पर इसका अगला वाला बम्पर वो न्यू हमने डाला है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बुरी हालत थी। तो ये इस गाड़ी की फाइनल लुक है और गाड़ी जो है आपके सामने है, कितनी यानी कि नीट एंड क्लीन जो है निकल के सामने आई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।